गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मानव स्वास्थ्य और रोग से इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संक्रामक रोग कौन से होते हैं, तो उसमें दो टाइप हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड जो संक्रामक रोग है, और दूसरा असंक्रामक रोग पढ़ा था हमने एलर्जी। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा संक्रामक रोग जो टाइफाइड फीवर के नाम से है। ये एक संक्रामक रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित या फैल जाता है। तो बच्चों, टाइफाइड ज्वर जो होता है इसको कॉज करने वाला कारक कौन है? तो ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों साल्मोनेला टाइफाई। तो ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो बच्चों, जो खाना हम लोग खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया अगर ये दूषित हो चुका है तो उसमें ये बैक्टीरिया जो होता है प्रेजेंट होता है। यदि हम इस खाने या पानी को पी लें जो संदूषित हो चुका है, यदि हम इसको पी लेते हैं या खा लेते हैं खाना, तो यह बैक्टीरिया हमारे स्टमक से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में आके जो है बच्चों रुक जाता है। फिर ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में आके रुकता है, ये उसके आगे नहीं बढ़ता है। फिर वहां पे ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन की सेल को क्या करता है, मारने लगता है। और सेल को मार के ये क्या करता है, सेल को मार देता है। इसके बाद ये ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है और फिर हम इस बीमारी से बच्चों इस तरीके से ग्रसित हो जाते हैं। तो बच्चों, मान लो हमने दूषित खाना या दूषित पानी पिया, तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है और 8 से 14 दिन तक ये हमारे शरीर के अंदर कोई सिम्टम या कोई लक्षण नहीं देता है, कोई सिम्टम या कोई लक्षण नहीं देता है, ये उसके बाद ही अपना लक्षण देता है। तो बच्चों, ये बैक्टीरिया किसको अफेक्ट कर रहा है, हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें लक्षण हमको क्या दिखेंगे, चूंकि इंटेस्टाइन में ही बच्चों हमारी आंत में ही हमारे भोजन का पाचन होता है, तो ये बैक्टीरिया उसको ही जब अफेक्ट कर दे रहा है, तो जो हमारा डाइजेशन है, तो जो डाइजेशन या पाचन है फूड का वो नहीं हो पाएगा। क्यों ये डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो पाता है, क्योंकि बैक्टीरिया ने इंटेस्टाइन के फंक्शन को क्या कर दिया है, इंटेस्टाइन के फंक्शन को या आंत के फंक्शन को खराब कर दिया है। तो क्या होगा, चूंकि बच्चों हमारी इंटेस्टाइन या आंत अब फंक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ने उसको खराब कर दिया है, ये वहां की सेल को मारने लगता है। तो अब क्या होगा बच्चों, चूंकि भोजन पच ही नहीं रहा है, इंटेस्टाइन काम ही नहीं कर रही है, तो हमें कब्जियत रहेगी। अब जब बच्चों हमें कब्जियत रहेगी तो हमको भूख तो लगेगी ही नहीं, भूख लगेगी नहीं, क्योंकि बच्चों हमारी इंटेस्टाइन खराब हो चुकी है, तो भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा है, हमको कब्जियत रह रही है। जब हमको कब्जियत रह रही है तो हमको भूख भी नहीं लग रही है। अब भूख नहीं लग रही है, इसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, हमारे पेट में दर्द भी रहेगा। इसमें बच्चों जो फीवर होता है बहुत हाई ग्रेड का होता है और फीवर लगातार बना रहता। मान लो हमको सुबह 10 बजे फीवर आया, हमने कोई फीवर की मेडिसिन ली तो ये फीवर चला गया, लेकिन शाम को ये फीवर फिर आ जाएगा। तो मतलब ये फीवर लगातार बना रहता है। और बच्चों, यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति में लंबे समय तक रहती है, 2 से 3 मंथ तक रहती है, तो क्या होता है, चूंकि ये हमारी इंटेस्टाइन की सेल को मारता है, मारने के बाद ये वहां के ब्लड वेसल से अंदर चला जाता है, तो ये क्या करता है, हमारे आंत में क्या कर देता है, छेद कर देता है, छेद या हम कह सकते हैं इंटेस्टाइन का परफोरेशन हो जाता है। तो जब ये हमारी आंत में छेद कर देता है तो हमारे स्टूल में क्या होता है, ब्लड ब्लड भी आने लगता है बच्चों। स्टूल का मतलब हमारे मल में ब्लड आने लगता है।
बच्चों यदि हमको ये सिम्टम लगे, भूख ना लगना, पेट खराब होना, कब्जियत रहना, पेट में दर्द रहना, तो ये सब सिम्टम अगर आपको दिखे, लगातार हाई फीवर का बने रहना, तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि उस व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है? तो एक आप टेस्ट करा सकते हो, बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट, यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है बच्चों, तो उस व्यक्ति को क्या है, उस व्यक्ति को टाइफाइड ज्वर है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, आप लोग इसको कैसे डिटेल में लिखोगे। तो अभी हमने बताया यह एक संक्रामक रोग है और साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है और रक्त परिसंचरण के द्वारा हमारे शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है, क्योंकि यह हमारे इंटेस्टाइन की सेल को मार के ब्लड वेसल में अंदर चला जाता है। और ये जीवाणु आता कैसे है? ये जीवाणु जो संक्रमित भोजन होता है, संक्रमित जल होता है, मल मूत्र आदि के द्वारा लोगों में पहुंचता है, और मक्खियां इसको फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं, क्योंकि मक्खियां जो होती हैं वो सड़ी गली चीजों पर बैठती हैं और वहां से इस बैक्टीरिया को चिपका लेती हैं अपने पैरों में, और यह जब खुले भोजन और खुले पानी पर बैठती हैं तो उसको संक्रमित कर देती हैं। इस तरीके से मक्खियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। लक्षण में अभी हमने बताया था, रोगी को लंबे समय तक हाई फीवर बुखार बना रहता है, शरीर में दर्द भी रहती है बच्चों, भूख नहीं लगती है और रोगी की आंतों से रक्त का स्राव होने लगता है। ये हमने कब बताया? जब वो बहुत लंबे समय से उसको टाइफाइड ज्वर है और वो कोई इलाज नहीं ले रहा है, तब रक्त स्रावित होने लगता है। तो बच्चों इसके उपाय क्या हैं बचाव के? हमको अपने भोजन को क्या करना चाहिए? इसको ढक कर रखना चाहिए जिससे मक्खियां इसको संक्रमित ना कर सकें। और रोगी का जो मल मूत्र है और थूक है, इसको क्या करना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए जलाकर। जल व अन्य पेय पदार्थों को उबाल कर पीना चाहिए। बाजार में खुले रखे हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग, खुले रखे खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके उपचार क्या हो सकते हैं बच्चों? अभी हमने बताया, एक टेस्ट करा लो, बिडाल टेस्ट, इससे कंफर्म हो जाएगा कि उसको टाइफाइड है या नहीं। और दवाइयों के रूप में हम ले सकते हैं एम्फीसिलिन, क्लोरामफेनाकोल आदि दवाइयाँ जो होती हैं उसके लिए बहुत लाभदायक होती हैं। तो बच्चों हमने टाइफाइड फीवर पढ़ लिया, अब हम एक दूसरी बीमारी पढ़ेंगे, कैंसर, जो एक असंक्रामक रोग है। तो बच्चों ये कैंसर होता कैसे है? जब हमारी बॉडी के जो सेल हैं बच्चों, और हमारी बॉडी जब कंट्रोल के बाहर ग्रोथ करने लगती हैं, तो ये कैंसरस स्टेज हो जाती है हमारे बॉडी की। बच्चों जो हमारी पहले नॉर्मल सेल की मैकेनिज्म बताते हैं, जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो इस तरीके से कुछ टाइटली पैक्ड होती है। नॉर्मल सेल ये टाइटली पैक्ड होती है। ये जो सेल होते हैं इनको और ग्रोथ करने से, नॉर्मल सेल इनको और ग्रोथ करने से रोकती है, वो बोलती है कि और ग्रोथ मत करो क्योंकि जगह नहीं है। तो इस वजह से ये अदर सेल को और ग्रोथ करने से रोकती है और ये सेल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होती हैं। अब मान लो ये हमारी नॉर्मल सेल किस में चेंज हो गई? कैंसरियस सेल में। तो अब ये कैंसरियस सेल में चेंज हो गई, पहले सेल ऐसी थी, और मान लो ये बीच वाली सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई, तो ये अदर सेल को क्या करती है? ओवरलैप करने लगती है बच्चों। अगर ये नॉर्मल सेल होती तो जब ओवरलैपिंग शुरू हो गई थी तो ये ग्रोथ करना क्या कर देती? ग्रोथ करना बंद कर देती। चूंकि अब ये नॉर्मल सेल है नहीं, ये कैंसरियस सेल में बदल चुकी है, तो ये अपने जैसी बहुत सारी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बनाएगी। अनडिफ्रेंशिएट का मतलब होता है बच्चों, इतनी ज्यादा सेल बना देगी कि आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि
इस सेल की बाउंड्री कहाँ है और इस सेल की बाउंड्री कहाँ है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप रहती हैं, ओवरलैप रहती हैं और एक तरीके का गुच्छा बना लेती हैं, एक तरीके का गुच्छा बना लेती हैं जब ये कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि अब ये लगातार डिवाइड कर रही हैं तो ये आसपास की जो सेल होती हैं उनको मारने लगती हैं, आसपास की जो हेल्दी सेल होती हैं उनको मारने लगती हैं और उन पे जो है अपना कब्जा करने लगती हैं। तो बच्चों ये एक तरीके का हम कह सकते हैं, ये एक तरीके का ट्यूमर या गांठ, गांठ का फॉर्मेशन करने लगती हैं। तो जो ये ट्यूमर होता है दो टाइप का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, ये एक अच्छा ट्यूमर होता है। बच्चों आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों में गांठ के रूप में उभार होती है, लेकिन वो गांठ उससे ज्यादा नहीं बढ़ती है और उनको बहुत लंबे समय से उतनी गांठ बनी रहती है। तो मतलब हम कह सकते हैं इसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, ये एक जगह बना रहता है, ये हमारे शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता है। तो इसको हम ठीक कर सकते हैं बेनाइन ट्यूमर में, क्योंकि इसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है। मैलिग्नेंट का मतलब है, मैलिग्नेंट ट्यूमर नाम से ही लग रहा है कि ये कैंसरस ट्यूमर है। ये बच्चों मैलिग्नेंट का मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और ब्लड वेसल के द्वारा और बॉडी फ्लूइड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। इतना तेज फैलता है बच्चों की रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने कैंसर के बारे में देखा। तो कैंसर क्या है बच्चों? एक असंक्रामक रोग है सामान्य कोशिकाओं की कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित करने वाले जो कारक होते हैं वो कैंसरजन या कार्सिनोजन कहलाते हैं। इस कारक के रूप में एक्सरे होता है, गामा रे होता है, पराबैंगनी किरणें होती है, तंबाकू में मौजूद कैंसरजन, ये सब कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक हैं। अभी हमने बताया कि रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, कुछ में गांठें लिमिटेड होती हैं, कुछ में गांठें लगातार बढ़ती रहती हैं। तो बच्चों इसकी रोकथाम के उपाय क्या हैं? तो बच्चों आजकल क्या हो रहा है, कीमोथेरेपी लोग करा रहे हैं। कीमोथेरेपी से क्या होता है, इस रोग के समाप्त होने की संभावना जो होती है वो अधिक होती है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने आज एक संक्रामक रोग पढ़ा टाइफाइड ज्वर और एक असंक्रामक रोग कैंसर के बारे में पढ़ा। यदि बच्चों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।